नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज। होमगार्ड का अंधा प्यार पड़ा परिवार पर भारी। ये मामला है राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र तेलीबाग का, जहां होमगार्ड ने अपनी प्रेमिका के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। साथ ही धमकी देने लगा, अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो खुद को गोली से उड़ा लेगा। भाई ने तुरंत 112 पे कॉल किया, साथ ही उसने होमगार्ड की पत्नी और बच्चों को बुलाया। जब होमगार्ड ने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर देखा तो उसने अपने भाई पर भी बंदूक तान दी और कहने लगा कि अगर कोई भी इस दरवाजे खोलता है तो वो गोली से उड़ा देगा। नजर डालते हैं राजधानी के पीजीआई थाना क्षेत्र इस होमगार्ड की खबर पर। होमगार्ड की काली करतूत प्रेमिका संग खुद को किया कमरे में बंद, बोला कोई आया तो गोली मार दूंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के तेलीबाग स्थित राम टोला में भाई के घर पहुंचे होमगार्ड अरुणेश कुमार ने खुद को प्रेमिका के साथ कमरे में बंद कर गोली मार लेने की धमकी दी। इससे भाई ब्रिजेश ने नगराम में रह रहे होमगार्ड के बच्चों व पत्नी को बुला लिया, लेकिन पत्नी व बच्चों के पहुंचने के बाद भी करुणेश ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। यही नहीं, अपनी लाइसेंसी बंदूक से भाई व अन्य लोगों को मार देने की धमकी देने लगा। इस पर ब्रिजेश ने 112 नंबर पर पुलिस सूचना दी। करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने अरुणेश व उसकी महिला को समझाकर बुझाकर कमरे से निकाला। अरुणेश के पत्नी व बच्चों दोनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने महिला मित्र को जाने दिया। कोतवाल आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि अरुणेश रावत का अपनी पत्नी से 15 वर्षों से विवाद चल रहा है, वह अलग रहता है। शुक्रवार शाम वह एक महिला मित्र को लेकर छोटे भाई के घर पहुंचा और कमरे को अंदर से बंद कर हंगामा करने लगा। अरुणेश के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लाइसेंसी बंदूक कब्जे में ले ली गई है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।